हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ए लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर रीच फॉर द टॉप। इसका हम एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में हर साल आता है। हाँ, आपके फाइनल एग्जाम में भी आता है, दिसंबर एग्जाम्स में भी आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर रीच फॉर द टॉप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम आज डिस्कस करेंगे। और रीच फॉर द टॉप चैप्टर जो है इसके टू पार्ट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट संतोष यादव से डील करते हैं, सेकेंड पार्ट हमारा किससे संबंधित है, मारिया सारापोवा। दोनों की दोनों जो लेडीज है, संतोष यादव भी मारिया सारापोवा भी, बहुत ही फेमस औरतें रही हैं। तो इनके बारे में जो है, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इन दोनों के बारे में कंपैरिजन है। ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा। कंपैरिजन होता है तुलना करना, तुलना करना, या इन दोनों के बारे में बताना भी संतोष यादव भी थी, मारिया सारापोवा, दोनों में क्या कॉमन था, दोनों में क्या अलग था जिसके कारण वो जो है इतनी फेमस हुई और उन्होंने जो है स्टारहुड का मजा लिया। आंसर इज टुडे बोथ। आजकल जो है दोनों की दोनों, कौन, संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा। फर्स्ट पार्ट संतोष यादव का है चैप्टर में और सेकंड पार्ट किसका है, मारिया सारापोवा का। तो दोनों की दोनों, जो संतोष यादव है और जो मारिया सारापोवा है, इंजॉय द स्टेटस ऑफ ए सेलिब्रिटी। अब हमें इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। सेलिब्रिटी होता है कोई भी प्रसिद्ध व्यक्ति, मतलब किसी भी फील्ड का कोई अगर प्रसिद्ध व्यक्ति है तो हम उसे क्या कहें, सेलिब्रिटी कहते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, या हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, या हमारे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेलिब्रिटी। मतलब किसी भी फील्ड का हो, चाहे कोई एजुकेशन से हो, चाहे कोई मतलब पॉलिटिशियन हो, अगर प्रसिद्ध है उसको सब जानते हैं तो वो सेलिब्रिटी होता है। तो दोनों के दोनों, संतोष यादव भी मारिया सारापोवा भी, दोनों क्या किसके मजे ले रहे हैं, एक प्रसिद्ध व्यक्ति होने के, यानी कि इन्हें सब जानते हैं। टू अटेन दिस पोजिशन, और इस पोजिशन को, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, यानी कि सेलिब्रिटी बनने के लिए, दे बोथ हैड टू वर्क हार्ड इन देयर लाइफ। इन दोनों को बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी अपने जिंदगी में, बहुत कठोर परिश्रम किया है इन्होंने। बोथ ऑफ दीज गर्ल्स वर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड ट्रू डिटर्मिनेशन। ये दोनों की दोनों जो लड़कियां थी, बहुत जबरदस्त स्ट्रोंग होता है, खूब शक्तिशाली, एंड ट्रू डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन होता है इच्छा शक्ति, जो हमारी इच्छा शक्ति है उसे हम क्या कहेंगे, डिटर्मिनेशन। तो दोनों की दोनों ये जो लड़कियां थी, बहुत ज्यादा जबरदस्त इच्छा शक्ति वाली थी। दे हैड ए क्लियर विजन ऑफ देयर लाइफ। इनको अपने जीवन का जो दृष्टिकोण था, अपने जीवन के में क्या बनना है, ये बिल्कुल क्लियर था। दे हैड ए क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट था कि भाई इन्हें जीवन में क्या चाहिए। दे वॉन्टेड टू बिकम, वे बनना चाहती थी समथिंग इन देयर लाइफ, अपने जीवन में कुछ, उन्हें मतलब अपने बचपन से ही क्लियर था भाई हमें कुछ बनना है ताकि हम अपना नाम कमा सके। दे वॉन्टेड टू राइज देमसेल्व्स अप फ्रॉम द कॉमन पीपल अराउंड देम। वे अपने आप को ऊंचा उठाना चाहती थी, ऊंचे उठाने का मतलब वो औरों से अलग करना चाहती थी, फ्रॉम द कॉमन पीपल, जो आम आदमी होते हैं अराउंड देम। उन्हें लगा भी जो हमारे चारों तरफ आदमी, हमें इनसे अलग कुछ करना है। दे सेक्रीफाइस ऑल कम्फर्ट एंड प्लेजर ऑफ लाइफ टू अचीव देयर एम। उन्होंने जो है एक तरह से त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस होता है त्याग कर देना, बलिदान कर देना, त्याग करना। उन्हें छोड़ दिया सारे के सारे कंफर्ट्स, कंफर्ट्स का मतलब सुख सुविधा जो होती है, जितनी भी सुविधाएं हमें मिलती, सारे कंफर्ट्स को, एंड प्लेजर जो सुख होते हैं, मतलब जैसे शादी अटेंड करने का प्लेजर है या घूमने जाने का प्लेजर है, इस टाइप के प्लेजर्स और कम्फर्ट्स क्या होता है भाई, देर तक सोना है, हमें जो है अच्छा खाना है, अच्छे कपड़े पहनना, इन कंफर्ट्स को, प्लेजर्स को इन्होंने छोड़ दिया भाई, इनकी तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, ऑफ लाइफ जिंदगी के, टू अचीव देयर एम, ताकि वो अपने एम को प्राप्त कर सके, मतलब जो इनको बनना है वो बनने के लिए इन्होंने सारी चीजों का त्याग कर दिया। बोथ ऑफ देम, ये दोनों की दोनों वर एबल टू रियलाइज देयर एम। वो इस योग्य थे कि उन्हें अपने लक्ष्यों का पता था, उनको प्राप्त करने के योग्य थे। संतोष यादव बिकेम द ओनली वीमेन ऑफ द वर्ल्ड टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। अब संतोष यादव ने क्या खास किया है, संतोष यादव अपने हरियाणा की है और ये जो है पहली औरत बनी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की, जिन्होंने टू स्केल माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर दो बार चढ़ाई की, स्केल का मतलब चढ़ाई करना। संतोष यादव हरियाणा से बिलोंग करती है और इन्होंने क्या काम किया है, इनके नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इन्होंने दो बार माउंट एवरेस्ट लगातार चढ़ाई की, और छोटी उम्र में की, उस टाइम इनकी उम्र भी सबसे कम थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। मारिया सारापोवा गोट द नंबर वन पोजीशन। मारिया सारापोवा, ये रशियन है, मारिया सारापोवा वैसे अमेरिका की तरफ से खेलती थी लेकिन है रशियन। जो मारिया सारापोवा है, गोट द नंबर वन पोजिशन, इनको नंबर वन पोजिशन मिली, यानी कि ये नंबर वन, इनके आगे कोई नहीं था, सबसे ऊंची पोजीशन इन्होंने हासिल की, किसमें, इन द वर्ल्ड, संसार में, इन विमेन टेनिस, टेनिस
ये टेनिस खेलती थी मारिया शारापोवा। तो टेनिस में ये नंबर वन, यानी कि इनसे आगे कोई नहीं था, नंबर वन की पोजीशन इन्होंने हासिल की, वो भी कम उम्र में की। ये संतोष यादव ने भी कम उम्र में जो है ये उपलब्धि प्राप्त की, इन्होंने भी कम एज में ही ये उपलब्धि प्राप्त की। दे प्रूव्ड दैट, इन्होंने सिद्ध कर दिया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसे जो हम ना कर सकते हो। बिफोर ट्रू डिटर्मिनेशन, अगर आदमी में बिल्कुल सही इच्छा शक्ति है, सच्ची इच्छा शक्ति, मतलब वो सच्चे मन से चाहता है वो चीज बनना। एंड आयरन विल होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, मतलब जबरदस्त, ऐसा जिस इच्छा को कोई दबा ना सके, चेंज ना कर सके। जैसे कई बच्चे कहते हैं हमें तो ये बनना, तो यही बनना है, हमें कुछ नहीं चाहिए, उसे कहते हैं आयरन विल, मतलब जिद एक तरह से। तो ट्रू डिटर्मिनेशन और आयरन विल अगर किसी में है, मतलब सच्ची इच्छा शक्ति है किसी में और जबरदस्त पावर है मन की, तो वो कुछ भी बन सकता है, कुछ भी उसके सामने इम्पोसिबल, असंभव नहीं है। ये क्वेश्चन बेटा हर साल आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्राई कंपैरिजन बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया शारापोवा। वैसे बता दूं, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, 2 बार की है, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनके नाम। और शारापोवा जो है टेनिस खेलती थी, तो इन्होंने नंबर वन पोजिशन हासिल की है 2005 में। तो ये दोनों का ये क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट है। वीडियो आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।